कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर उन्होंने इस प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से देश को संबोधित किया। 74 साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में बहुत कुछ अलग दिखा। कोरोना महामारी के चलते पहली बार इस समारोह में सभी के चेहरे पर मास्क दिखे, साथ ही हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठने के स्थानों और चलने के स्थानों पर लकड़ी की फ्लोरिंग की गई और दरियां बिछाई गई हैं। इसके साथ 2 गज की दूरी का मंत्र फॉलो किया गया और ना ही किसी ने हाथ मिलाए। सुरक्षा के लिहाज से इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में छोटे स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया गया, हालांकि एनसीसी के चुनिंदा 500 कैडेट्स को ज्ञान पथ पे बिठाया गया। हर साल पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों से मिलते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये भी नहीं हुआ। इसके साथ इस बार पीएम मोदी के लुक में भी बदलाव दिखा। इस साल ना तो पीएम मोदी के हाथ में घड़ी थी और ना ही ट्रिम दाढ़ी। इस बार पीएम मोदी थोड़ी लंबी दाढ़ी में दिखे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा में तैनात जवान पीपीआई किट पहनकर तैनात दिखे। हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारी संख्या में लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ 4000 लोगों को ही शामिल किया गया। न्यूज डेस्क।